तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको ग्रो ऐप की सही जानकारी व पूरी स्टॉक मार्केट की जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये है ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन का कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है, इसका मैंने वीडियो जो है पहले यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट किया जाता है, इस पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। इसको अगर आपने नहीं देखा तो इसको जरूर आप देख सकते हैं। ले आना है ग्रो एप्लीकेशन में। ग्रो एप्लीकेशन जो है स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करने का एक जो है एप्लीकेशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको पैसे लगाना है कंपनी देखकर। स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं तो ये जानकारी होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है। अब स्टॉक मार्केट में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं और म्यूचुअल फंड में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को अभी मैं यहाँ इसी वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा। जो है वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो बता रहे हैं किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको दो टैब यहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक्स का और दूसरा यहाँ पर म्यूचुअल फंड का। अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड होता क्या है, यहाँ पर आपके सामने इंडेक्स है और इंडेक्स में यहाँ पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स और यहाँ पर बैंक निफ्टी, यानी कि तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये जो है तीन मेन होते हैं हर एक एप्लीकेशन में, जैसे कि अपस्टॉक्स हुआ, एंजल वन हुआ, जीरोधा हुआ, ये तीनों जो है हर एक एप्लीकेशन में होता है। निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 का मतलब होता है कि निफ्टी एनएससी की लिस्ट की 50 सबसे बड़े और तरल शेयरों को ट्रैक करता है। निफ्टी का समय सोमवार से सुबह तक सुबह 9:15 से शाम 3:30 तक होता है। निफ्टी में 50 सबसे बड़ी कंपनीज शामिल किया गया है। निफ्टी 50 50 कंपनीज सबसे बड़ी कंपनीज के इंडेक्स शेयर के मूवमेंट को बताता है। तो आप लोग यहां पर समझ गए होंगे कि निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 वही चीज है, ये आपको यहां पर लिखा हुआ है कि निफ्टी 50 यानी कि 50 बड़ी कंपनीज को ये ट्रेक करके उसके मूवमेंट को यहां पर बताता है स्टॉक मार्केट का। अगला क्या है, यहां पर है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स का पूरा नाम होता है सेंसिटिव इंडेक्स। अब ये सेंसिटिव इंडेक्स होता क्या है कि यह बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य मापदंड इंडेक्स होता है। यह बहुत पुराना इंडेक्स है, इसके बाद नया इंडेक्स फंड एनएससी है। ये आप समझ लीजिए कि जो है बीएससी के बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट इंडेक्स फंड है एनएससी, जो कि अब इस समय चल रहा है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज शामिल है। सेंसेक्स शेयरों के अनुपातिक रूप से चलता है, जैसे कि किसी भी कंपनीज में कितने परसेंटेज की गिरावट आई, कितना परसेंटेज जो है कंपनी सेंसेक्स में ग्रोथ हो रही है, ये सब शो करता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 30 कंपनीज शामिल होती हैं जिसमें उसके शेयर्स जो है ग्रोथ हो रही है या डाउन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ यानी कि पुट हो रहा है कि कॉल हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर सेंसेक्स के अंतर्गत यहाँ पर दिखाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसेक्स क्या है। अगला बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल एक्स है, जिसमें केवल बैंकिंग स्टॉक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें प्राइवेट और पीएसयू बैंक शामिल है, यानी प्राइवेट बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सारी बैंक जो है शामिल है। यह जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के सबसे सक्रिय रूप से ट्रेड किए गए इंडेक्स में से एक है और यह एनएससी पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। यानी कि बैंक निफ्टी में भी जो है इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जिसमें फ्यूचर ऑप्शन ये सभी चीजें होती हैं। अब आप यहां पर ये तीन चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स में इंडेक्स निफ्टी 50 सेंसेक्स, निफ्टी 50 सेंसेक्स और यहां पर बैंक निफ्टी, ये तीनों चीज मेन होती है और इन्हीं तीनों चीज की मदद से आप कहीं भी एंजल वन, आप स्टॉक्स, जीरोधा, एम स्टॉक्स, किसी भी एप्लीकेशन में आप पैसे का जो है निवेश कर सकते हैं। ये होता है मार्केट के इंडेक्स फंड। अब आपको हम बताएंगे यहां पर कुछ इसके फीचर्स के बारे में कि ग्रो एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले आपको यह होता है कि किसी भी कंपनीज के स्टॉक्स को पहले आप बाई और सेल करते हैं, ना कि देखिए किसी भी एप्लीकेशन के अंतर्गत आप जाएंगे, कंपनीज के शेयर्स को बाय करेंगे और उसे सेल करेंगे, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो आपका होगा। कंपनीज के शेयर्स को अगर आपको बाय करना है तो कंपनीज सबसे पहले यहां पर सर्च ऑप्शन पर आना है,
यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी सर्च करना है, हमने तीन ऑप्शन आ जाते हैं, एक स्टॉक्स का, दूसरा म्यूचुअल फंड का और तीसरा एफ एंड ओ का। स्टॉक्स किसी भी कंपनीज में, जब आप किसी भी कंपनीज में पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि उसके शेयर्स कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप जब किसी भी कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदते हैं, अब किसी कंपनी के आप स्टॉक्स को खरीदते हैं और स्टॉक्स में कंपनी के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। ये अंतर होता है कि स्टॉक में आप किसी कंपनी के लिए जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में कंपनी के प्रोडक्ट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैं SBI लिख देंगे, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, देख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सी कंपनीज यानी कि सिलेक्ट कर रहे हैं और कंपनी में जो डेटा लेना चाहते हैं यानी कि स्टॉक्स में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए हम पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन है स्टॉक्स का, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे, जो कंपनी आपके सामने आएगी वो सारी सारी स्टॉक्स वाली आएगी कि आप जो है कंपनी में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर सिंपली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वाले पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इसके सामने ग्राफ आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक शेयर की कीमत 631 रुपए है, यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहां पर रुपए 631.40 पैसे है। अब यहां पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि कितना ग्राफ आपका ऊपर चढ़ रहा है और कितना नीचे गया है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और अगर आप यहां पर ऑप्शन चेन भी देखना चाहते हैं तो यहां पर ये ऑप्शन है ऑप्शन चेन का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक कर देंगे, अब ऑप्शन चेन आप यहां पर देख सकते हैं कि यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब ये कितनी शेयर्स की गिरावट आई है, कितना जो है कितने लोग कॉल प्राइस किए हैं और कितना यहां पर पुट प्राइस हुआ है, ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। बाय चांस आपको यहां पर इसके शेयर्स को जो है आपको बाय करना है, तो मान लीजिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये समझ लीजिए कि आप इसके परफॉर्मेंस को देख लीजिए। फिलहाल देखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यह बैंक जो है बहुत पुराना है, अगर आप इसमें आज भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट जो है आएगी, आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे। आप यह ध्यान दीजिए कि पुरानी कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर आपका प्रॉफिट ही होगा ना कि लॉस होगा। तो अगर आप यहाँ पर इसके शेयर्स को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाई ऑप्शन और यहां पर ऑप्शन है डिलीवरी और यहां पर ऑप्शन है इंट्राडे और यहां पर आपका क्वांटिटी शो होता है, यहां पर आपका प्राइस लिमिट शो होता है। अब आप शेयर्स को इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं या डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं। अब इंट्राडे और डिलीवरी क्या होती है ये आपको बता देते हैं कि डिलीवरी है यानी कि आज आप जो है होल्ड करके भी रख सकते हैं और इंट्राडे जो होता है कि आपको एक ही दिन में बाई करना है और एक ही दिन में आपको उस स्टॉक्स को सेल करना होता है। तो अधिकतर लोग यहां पर डिलीवरी में जो है स्टॉक्स को बाय करते हैं ताकि वो एक हफ्ता दो हफ्ता में उसको सेल करें। तो यहां पर डिलीवरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है क्वांटिटी NSC। अब यानी कि यहां पर जब आप क्लिक करते हो, यहां पर जब आप NSC पर क्लिक करते हो तो आपका जो है NSC क्वांटिटी से यहां पर BSE हो जाता है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है। अगर आप इसी पर क्लिक कर देते हो तो यहां पर NSE सिलेक्ट हो जाता है। तो मान लीजिए आपको यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स को बाय करना है तो यहां पर एक शेयर्स को आपको बाय करना है या 12 शेयर्स को बाय करना है या 2 शेयर्स को बाय करना है, यहां पर आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर अगला ऑप्शन होता है प्राइस लिमिट का। आप यहां पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर 644 प्राइस यानी कि मार्केट की अभी प्राइस 631.40 रुपए है, जब यहां पर 644 रुपए यह पार हो जाएगा तो हमारा जो है ये स्टॉक्स बाई हो जाएगा यानी कि ऑर्डर लग जाएगा। अब यहां पर हमें लिमिट ना सेट करके हमें यहां पर मार्केट प्राइस पर सेट करना है। तो यहां पर जैसे हम यहां पर क्लिक कर देंगे यानी कि जैसे हम यहां पर प्राइस मार्केट पर सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद यहां पर एट मार्केट पहले से आ जाएगा। अब आपके सामने सिर्फ पैसे को ऐड करने की जरूरत है तो सिंपली आपको यहां पर लिखा हुआ है ऐड मनी, सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर देना है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब ऐड मनी में यहां पर 1000 रुपए यहां पर आपको ऐड करना है, यहां पर 1000 रुपए का अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है ऐड मनी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके इसमें यानी कि ग्रुप एप्लीकेशन में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा यानी कि जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी से आप यहां पर पैसे काट सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर आपको ऑप्शन भी दिया जाता है कि यहां पर
आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी काट सकते हैं और बैंक ट्रांसफर करके भी आप इस पेमेंट को काट सकते हैं। अगर आपके पास यूपीआई आईडी हो तो यूपीआई आईडी डालकर जस्ट यहां पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जब आप यहां पर बाय पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका ऑर्डर जो है लग जाएगा। बाय करने के बाद यहां पर ऑप्शन भी रहता है आपके सामने कि बाद में आप उस स्टॉक्स को देख भी सकते हो। जैसे कि यहां पर ये ऑप्शन है डैशबोर्ड, यहां पर ये लिखा हुआ है डैशबोर्ड। सिंपली आपको इस बटन पर क्लिक करना है डैशबोर्ड पर, आपने स्टॉक्स कितने बाई किए हैं और कितने सेल किए हैं, यानी कि आपको स्टॉक्स के यहां पर दिखाई देगा कि कितना आपने बाई किया है और कितना यहां पर आपने सेल किया है।